हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहां पर लाइव जुड़े हुए हैं। सो वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन। सबसे पहले सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। ये गुड मॉर्निंग वाले कौन है यार? गुड इवनिंग बोरे भाई, गुड इवनिंग बोलो। चलो स्टार्ट करें। चलिए एवरीवन स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग बढ़िया तरीके से लाइक शेयर कर दो। क्लासेस का टाइमिंग जो भी शेड्यूल है वो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ, उसके बाद से हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करेंगे। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय श्री राम, गुड इवनिंग। चलिए गाइस, देखिए क्लास आप लोग की जो रहती है, ये वाली जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये वाली क्लास पर डे रहती है आपकी 9 बजे के टाइमिंग पे, यहाँ पर इस चैनल पर, ठीक है। तो डेली आप लोग क्लासेस कर सकते हो। ये क्लास आप लोग को काम आएगी एसएससी सीजीएल के लिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। फिलहाल हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो है एसएससी सीएचएसएल के लिए। एमटीएस के लिए भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि एमटीएस का भी अभी एग्जाम अपकमिंग है, आने वाला है। और बाकी जितने भी आपके एसएससी और रेलवे लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसके लिए आप इस क्लास को कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके जो अनअकैडमी वाले क्लासेस हैं, आज कुछ मेरे साइड से नेट इशू चल रहा था तो आपका अनअकैडमी वाला क्लास नहीं हो पाया, 11 बजे वाला, ठीक है। बाकी डेली चल रहा है आप लोग का ये क्लासेस। आप सिर्फ मेरा नाम सर्च करें और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चले ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जैसे ही आप लोग प्लस के सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो RITIKA10 कोड आप लगा सकते हो पॉइंट्स के साथ। विथ कॉइन्स अगर आप यूज करोगे तो आप लोग को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो ओके, रेडी करें, स्टार्ट करें। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं एवरीवन। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस का आज जो हमारा सेशन है, ठीक है, उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल, बढ़िया बढ़िया से अप्रोच करेंगे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस। देखो ये ऐसा चैप्टर जो हम लोग करने वाले हैं, नंबर सीरीज और यहाँ पर मिसिंग नंबर्स। नंबर सीरीज सबसे ज्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कम से कम 2 सवाल मान के चलो हर एग्जाम में, ठीक है। तो कुछ दिन यहाँ पर हम लोग जो है वो आज जो सेशन करने वाले हैं उसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल बेसिक है, मॉडरेट लेवल, और जो आजकल हमारे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन सामने ही है, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, ट्राई करो इसको, नहीं बनेगा तो फिर बताते हैं। हाँ चलो, पहले एक बार बेसिक देख लिया करो कि बेसिक क्या अप्रोच है, ठीक है। जैसे ही आप बेसिक देखोगे ना तो आपको पूरा सवाल बन जाएगा। बस बेसिक सबसे पहले देख लिया करो कि क्या अप्रोच लग रही है सवाल में। बहुत इजी है, आराम से बना सकते हो। क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो, तरीका देखो, ठीक है। फॉर्मेट देख लो, क्वेश्चन का तरीका देख लो। देखो यहाँ पे जो मिडिल नंबर्स हैं 69 वो स्टार्टिंग में आ गए हैं, ठीक है, सही है। फिर देखो कि जो 2 मिडिल नंबर है 93 वो फिर से स्टार्टिंग में आ गया, यहाँ पे आया कि नहीं, है ना, ठीक है। फिर से देखो जो मिडिल नंबर्स थे वो स्टार्ट, यानी कि जो हमेशा मिडिल के 2 नंबर्स है या 2 वैल्यूज है वो हमेशा शुरुआत में आ रही है, स्टार्टिंग में आ रही है, ठीक है। तो अगर आप ये वाले मिडिल नंबर्स को स्टार्टिंग में रख दो, 1 तो हमेशा ही लास्ट में आ रहा है, अब बचा कौन सा नंबर, एक ही नंबर है जो बार बार यहाँ रिपीट हो रहा है, 3 वाला, तो ये आ जाएगा आपका 6931। कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड वाला, सेकंड पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो आगे आते हैं, यहाँ पर बताना है रिलेट करा करो टर्म्स को, ठीक है, इसको चेक करिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलो बन जाएगा। देखो जब भी नंबर्स में छोटा छोटा डिफरेंस हो तो समझ जाया करो कि डिफरेंस बेस्ड सीरीज है, और जब ज्यादा डिफरेंस है तो हमें लगता है कि वहां पर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई चल रहा है। ठीक है, जैसे कि इस वाले सवाल में था। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे वो देखो, 4 लिखा है मान लो, 6 लिखा है मान लो, 8 लिखा है, 10 लिखा है, और यहाँ लिखा है मान लो 4 के बाद 8, फिर 16 लिखा है, फिर 32 लिखा है। देखो सीरीज देखकर अपने आप इंसान को समझ में आ जाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स को अपने आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा होगा। 4, 6, 8, 10 यानी कुछ जुड़ रहा है। जब नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जुड़ रहा है वहां पे, और जब नंबर्स के बीच का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब सीरीज बढ़ रही है तो दो ही तरीके से बढ़ सकती है, या तो कुछ जुड़ रहा होगा या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर सीरीज कम हो रही है तभी भी दो तरीके हैं, या तो किसी नंबर का डिवाइड चल रहा है या किसी नंबर का माइनस हो रहा है, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो दो ही चीजें हैं यहाँ जो सीरीज बढ़ सकती है। आप देखोगे यहाँ दो जुड़ रहे हैं हमेशा, और यहाँ दो का मल्टीप्लाई चल रहा है, सीरीज देखकर समझ में आ रहा है। ऐसे ही इस सीरीज में अगर हम लोग बात करें, डेफिनेटली देखो 10 के बाद सीधे 22 आया, 22 के बाद 46, 46 के बाद 90, यानी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई तो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखना है थोड़ा। 10 के टेबल में अरे 20 लिखा होता तो डायरेक्टली हो जाता ना ये क्वेश्चन, इतना भी आसान नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे 10 का डबल करते तो 20 आता है, लेकिन +2 किया हुआ है। फिर 22 का डबल करते हैं तो 44 आता है, +2 किया हुआ है, यानी कि डबल करके और 2 ऐड करके लिखा हुआ है। ठीक है, हर क्वेश्चन में, हर सवाल में। तो आपको भी यही करना है कि मल्टीप्लाई करना है 2 का और 2 ऐड करने हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे ×2 +3 भी हो सकता है, फिर ×2 अगले वाले में 4 जुड़ेंगे, फिर ×2 अगले वाले में 5 जुड़ेंगे। इस तरीके के सवाल अभी हम आगे करेंगे। तो यहाँ तो सेम है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो कर दो भैया 94 × 2 + 2, कौन सा वाला ऑप्शन आएगा? 190 आ जाएगा, 190 बन रहा होगा। ठीक है, तो सवाल करने का जो अप्रोच है ना, अगर हमें वो पता है, ठीक है, तो सवाल हमसे बन जाएगा, कभी भी नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर सवाल करने का सही तरीका आता है तो, है ना। चलिए ओके, इसको बताते हैं भाई अगले सवाल को। ये वाला बताओ, एक बार चेक करो इस वाले को। चलो जल्दी जल्दी करिएगा, है ना, बातचीत आपस में मत करिएगा, आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, डिस्टर्ब ना तो खुद होइए ना किसी को करिए, आराम से पढ़ाई करिए। अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा आता है एग्जाम में। नंबर सीरीज 2 से 3 सवाल, कोई सा भी एग्जाम रहे। ठीक है, तो बातचीत मत करिए, चाहे कोई भी रहे, है ना। प्यार से बोल रही हो, आराम से बोल रही हो, समझ जाओ। मेरी क्लास में डिस्टर्बेंस करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है, पढ़ाई करने आए हो, पढ़ाई करो, शांति से आराम से पढ़ो, और आधे घंटे के लिए बस क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, चलिए। हाँ भैया, इधर क्या हुआ, अचानक से 40 के बाद 60 आ गया, फिर अचानक से लेस हो रहा है। जब ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो अपन को पता है क्या करना चाहिए। यहाँ 2 सीरीज लग रही है, डबल सीरीज यहाँ पे लग रही है, ध्यान से देखो। ठीक है, 40 के बाद 47 आया, 47 के बाद 54 आया, यानी 7-7 ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, 7-7। ठीक है, 60 से 53 हो गया, और 53 से क्या हो जाएगा अगला, अल्टरनेट सीरीज चल रही है, एक बार +7 हो रहा है, एक बार -7 भी हो रहे हैं, तो अपन को -7 करना है। 53 में से 7 घटाएंगे, 46 आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके, तो इसका जो आंसर है वो है 46। आराम से बना सकते हो, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सीरीज के क्वेश्चन 2 से 3 बनते हैं, तो अगर आप लगभग 200-250 सवाल भी जो करा रही हूं मैं वो कर लोगे ना तो बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा भाई यहाँ पर क्या होगा। ट्राई करो, इसको गलत मत करना। ठीक है, चलो हो गया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। रेलवे का क्लास इसी को करिए ना, रेलवे के लिए क्या प्रॉब्लम है, रेलवे के लिए इसी क्लास को कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये एसएससी रेलवे के लिए ही है पूरा चैनल, और एसएससी रेलवे का ही यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ये पूरा चैनल एसएससी और रेलवे के लिए ही डेडिकेटेड है। ठीक है, चलिए ओके, क्या बन रहा है यहाँ पे, बन गया। अब ये तो बन गया होगा। देखो इसमें दोनों तरीके से बताऊंगी मैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरीके से बता रही हूँ, अपना ही तरीका आपके ऊपर लगा रही हूँ, ऐसा नहीं है। दोनों तरीके से इसमें मैं बताऊंगी, ठीक है, अपना ही तरीका आपके ऊपर लगा तो ऐसा नहीं होगा। इसमें दोनों तरीके से आपको बताने वाली हूँ। कैसे, देखो एक तरीका दिमाग में सबसे पहले आता है कि हम जोड़ सकते हैं। ठीक है भाई, मान लिया यहाँ पे जुड़ रहा है 5, यहाँ जुड़ रहा है 20, यहाँ पे जुड़ रहा है सीधे सीधे 80। देख रहे हो भैया, यार जोड़ कुछ ज्यादा ही रहे, मतलब मल्टीप्लाई होना चाहिए एक्चुअल में, लेकिन आप जोड़ने वाला करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 327 गलत आंसर है। वही बात है ना, थोड़ा सा फोकस्ड रहना होगा। सवाल कभी कभी समझ में आ जाता है ना, लेकिन हम उसे थोड़ा कैलकुलेट सही तरीके से नहीं कर पाते तो गलत हो जाता है। ठीक है, ओके। तो भैया 5, 20, 80 हो गया है ना, लेकिन आप हमेशा देखो 4 गुना ही तो जुड़ रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है ना, 4 गुना बढ़ रहा है। तो ये देखो 4 गुना, ये भी 4 गुना, तो 80 का 4 गुना 320 होता है, यानी अगली बार 320 ऐड होगा। तो जोड़ लो भैया, क्या दिक्कत है। 107 में 320 जोड़ सकते थे आप। 107 प्लस 320, इतना करोगे तो आपका आंसर 427 आएगा यार। 327 नहीं, 427 है। ठीक है, कोई बफरिंग नहीं हो रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है ना। तुम लोग की साइड से होता है कभी कभी बफर, तुम लोग का नेट नहीं, स्पीड कम आ रही होगी इस वजह से, बाकी इधर से कोई बफरिंग नहीं है, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा 407। अब देखो ये तो आपका तरीका हो गया, मान लो दूसरे तरीके से करना चाहो तो कैसे करेंगे। देखो 2 की टेबल में, अरे छोड़ो यार, 2 की टेबल में तो 8 भी आता है, 10 भी आता है, कुछ भी आ सकता है ना। बट अगर हम बात करें यहाँ पर तो 7 की टेबल में तो सिर्फ 28 आ रहा है ना, ये 27 जो है 28 के पास की संख्या है, या तो +2 या -2 इस तरीके की संख्या हो सकती है। ठीक है, तो 7 की टेबल में 28 आता है, 4 का गुणा करने पर -1 करके लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपका × 4 -1 करके लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी × 4 -1, 2 की टेबल में 4 हम करते हैं तो 8 आता है, 8 में से 1 हटा दे तो यानी × 4 -1, कॉन्स्टेंट पैटर्न लग रहा है, ये ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला देख लो भैया। फिर 107 का भी 4 से गुणा करेंगे, फिर -1 कर देंगे, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, 427। आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो। आ गया समझ में, बोलो क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है तो एक बार यार लाइक कर दो यार, जबरदस्त तरीके से लाइक नहीं करा तुम लोगों ने। 500-600 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं लाइव अभी इस समय, फटाफट से लाइक कर दो यार, तो बात बने थोड़ी सी, जल्दी से लाइक कर दो यार तुरंत। उससे कुछ नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता। इससे ये होता है कि जो बच्चों को सच में जरूरत है इस लेक्चर की, उनको भी ये लेक्चर मिल जाएगा। आप लाइक करोगे तो ये ऊपर दिखाने लगेगा लेक्चर, उन लोगों को भी मिल जाएगा जिनको सच में पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ओके, चलो बहुत ही बढ़िया। तो लाइक कर देना यार एक बार, कहने से पूरा पूरा जितने लोग हैं सारे लोग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे खर्च नहीं हो रहे उसमें, तुम लोगों के कर ही सकते हो, रोज पढ़ने आते हो इतना तो कर ही सकते हो, है ना। फटाफट से लाइक कर दीजिएगा सेशन को बिना बोले। ठीक है, अगला सवाल देखते कितने लोग कर पाते, टारगेट करो इस सवाल को करने का, सिंपल है, आराम से कर सकते हो। चलो जल्दी जल्दी करो यार, जितनी जल्दी देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सा जो है आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। सबसे पहले टॉप 10 में कौन है भाई? यहाँ तो टॉप 10 पता नहीं चल पाता है, अनअकैडमी पे तो पता चल जाता है पोल से, है ना। तो वो वाली क्लास हम लोग सुबह करते हैं 11 बजे, ठीक है, शाम को 4 बजे। अनअकैडमी में तो टॉप 10 चल जाते, पता यहाँ नहीं चल पाते। तो जल्दी जल्दी आंसर करो कमेंट पे, तभी मैं बताऊंगी कौन है यहाँ पे टॉप 10। चलो भाई बताओ, अभी किसी का नहीं आया है आंसर। चलो 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 चलो, पूर्णिमा त्रिपाठी, मानसी रावत, 2 लोगों का आ चुका है, वेरी गुड, बढ़िया। और करो यार, वेरी गुड। अलेखा जी, यादव, शुभम का भी आया है ना, पूजा जी का भी आया, मोहिनी जी का भी आया, ठीक है। चलो फिर गुड्डू भैया, अर्जित भैया, गौरव प्रजापति जी, मीनू, ठीक है, पूर्णिमा जी, प्रीति सिंह जी, वेरी गुड। चलो बढ़िया यार, आने लगा आप तो, सबका ही आ ही जाएगा, है ना। ठीक है, समझ गए। चलो तो फिर आगे देख लो। देखो यार एक बात बताओ, यहाँ 2 का 2 से मल्टीप्लाई करके बीच में लिखा था, मिडिल में, इतना तो समझ में आ रहा होगा। 3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन 9 लिखा था, फिर 4 का 4 से मल्टीप्लाई करके बीच में लिखा है, तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करके मिडिल में 25 लिखा जाएगा कि नहीं। और सारे ऑप्शन देखो सेम है, जरा सी तुम लोगों ने गलती करी वहीं फिर गलत हो जाता है, जरा सी गलती पूरा नंबर कट, ऊपर से माइनस भी जाते, क्योंकि एसएससी में तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, तो गलतियां करने की कोई गुंजाइश नहीं, बहुत नंबर कटते हैं। तो ये वाला आंसर बनेगा, कौन से पे लिखा था? सेकंड वाले पे, ठीक है, सेकंड वाले पे लिखा हुआ था, सेकंड पे टिक कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वन, इसमें सबसे जल्दी आंसर करें फटाफट से, जल्दी जल्दी टॉप 10। चलो जल्दी, ये आया हुआ सवाल है, रेलवे का ही सवाल है, प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ सवाल है, ये इसी पैटर्न पर सवाल पूछा भी गया है, सेम सेम, ठीक है। चलो जल्दी करो यार थोड़ा, आंसर थोड़ा जल्दी देने की कोशिश करें। इस तरफ सवाल, इस तरफ आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है, आंसर करो। हड़बड़ी में गड़बड़ी, हाँ बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। बन गया, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों का आया, सही है, सही जवाब है, बहुत ही सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। 154 आ रहा है। 8 का 16 से रिलेटेड होता है क्योंकि 8 के टेबल में 16 आता है, +1 17 के टेबल में 34 आता है डबल करने पर, लेकिन यहाँ +2 किया गया है, वही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वही मेथड है, राइट। तो यहाँ पर भी आपका आ रहा है डबल करके +3, और इसी तरीके से नेक्स्ट जब करेंगे तो 75 का भी डबल कर देंगे और +4 कर देंगे, तो आपका आंसर 150 +4 मतलब कि 154 आएगा, 154, राइट। चलो कोई बात नहीं, हाँ पहला आंसर ठीक है। और टारगेट करो, मैम ने 25 कराए, 50 कराए, सवाल कितने बने हमसे। चलो इसमें करो भैया टारगेट, 7/7 कितने लोगों के आ रहे हैं, 7वां सवाल है ये, टारगेट करो कौन सा। अब देखो ऐसे सवाल दिख रहे हैं आसान बट गलत हो जाता है, चेक करो इसको जरा, देखते कितने लोग बना पाते हैं। इसमें जरूर नाम लेने वाली हूँ, जो लोग जल्दी आंसर करेंगे नाम लूंगी, ठीक है। गुड नाइट यार बाद में करना, जब मैं जाऊंगी तब, अभी तो तुम लोग यार गुड इवनिंग ही कर लो, गुड नाइट बाद में कर लेना, गुड इवनिंग ही कर लो अभी तो फटाफट से। चलो इसका आंसर देखो भाई, अनुष्का कुमारी जी का आंसर आया है, ठीक है, अनुष्का जी का आंसर, वॉरियर भैया का आंसर आया है, और कोमल गुप्ता जी का आंसर भी गलत आया है। शुभम गेमिंग का सही है, ठीक है, बहुत कम आंसर सही आ रहे हैं इसमें तो। सोनाली का सही है, शुभम भैया का सही है, आरके दक्ष भाई का सही है, ठीक है, अंजलि सिंह जी का भी सही है। बाकी देखो गलत आ रहे थे तो यार मैं नहीं नाम ले पाऊंगी, ठीक है। इसमें देखो थोड़ा कंफ्यूजन, 729 सबसे ज्यादा आंसर देखने को मिल रहा है, इसमें गलत है। अब ये वही है ना, जल्दी का काम जो होता है वो शैतानी का काम होता है, लेकिन यार देखो अपन को एग्जाम में ना हर चीज देखकर चलनी है, हर चीज। रीजनिंग को करने के लिए सॉल्व ना ज्यादा समय होता नहीं अपने पास, टोटल 60 मिनट्स का टाइम है अपने पास। देखो एग्जाम में लगभग 60 मिनट का समय है अपने पास, ठीक है, जिसमें अपन को कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, 100 क्वेश्चन करने होते हैं, एसएससी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये है मान लो 60 और 100, यानी एक सवाल को करने के लिए 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिल रहा है अपन को, है ना। अब अपन जीएस में और इंग्लिश में तो चलो थोड़ा कम टाइम लेते हैं बिकॉज पढ़कर आंसर देना होता है, लेकिन मैथ्स में और रीजनिंग में सॉल्व करना पड़ता है, तो मैथ्स में अपन को सबसे ज्यादा समय चाहिए, लगभग 20 से 25 मिनट तो मैथ्स में ही चले जाते हैं, क्योंकि मैथ्स तो कैलकुलेटिव आता है ना। फिर आप लोग का रीजनिंग के लिए मैं बताऊं सबसे कम समय मिलता है अपन को, 15 मिनट में सॉल्व करने 25 सवाल लगभग, और कम में बल्कि। फिर 10 मिनट अपन दे देंगे उसको, और 10 मिनट दे देंगे जीएस को, इतना ही पढ़ के आंसर देना। लेकिन मैथ्स में 20 मिनट तो चाहिए ही मिनिमम, उससे कम में काम नहीं चलेगा। तो रीजनिंग में 15 मिनट में मान लो 25 सवाल सॉल्व करें, यानी 1 मिनट में आप 2 सवाल आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब फाइनल अगर मैं लेकर चलूँ तो अपन हमारा जो सॉल्व करने का जो समय है ना वो 30 सेकेंड है ओनली, एक सवाल 30 सेकेंड में। तो ये जो टाइमर मैं आपको देती हूँ ना, ये वाला, ये इसको देखकर तुम लोग सवाल सॉल्व किया करो। इस टाइमर का बहुत बड़ा अहमियत है, ये एवं ही नहीं लगाया गया, इसको लगाने में मेहनत लगती है यार। इसको देखकर सवाल सॉल्व किया करो, क्योंकि अपन को स्पीड का भी ध्यान रखना है और आंसर भी सही करना है, क्योंकि और जो एग्जाम्स होते हैं उनमें टाइम ज्यादा मिलता है, ठीक है, लेकिन जो अपना एसएससी का एग्जाम है उसमें हमें टाइम कम मिलता है, ठीक है। तो टाइम कम है, उसको ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। सो गाइस लेट्स कम टू द क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना। चलो देखो यार, ये जो है आपका 11 का स्क्वायर लिखा था, समझना ये आपका 12 का स्क्वायर लिखा था, ठीक है, पहले लिख लो। ये 17 का स्क्वायर लिखा हुआ, ये 18 का लिखा है, इतना तो समझ में आ रहा है। और मैं बताऊं, देखो पता एक बात और समझ लो, फायदे की बात है तुम ही लोगों के, ठीक है, सुनो मेरी बात। फायदे की बात यह है कि कम से कम 30 तक स्क्वायर्स और क्यूब्स अगर याद कर लोगे ना, है ना, 30 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स अगर याद कर लोगे ना, अब पीछे क्लास में कुछ मत करो, बाद में कर लेना। चलो हो गया, चले, हो गया यहाँ तक हुआ क्या ये वाला सवाल? इसको आगे करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अरे यार तुम लोग का क्या बफरिंग हो रहा है यार, अभी मैं देख लेती हूँ कि हो रहा है कि नहीं। यहाँ से तो कोई बफरिंग नहीं यार, एकदम बढ़िया चल रहा है। चलो मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा, एक बार रिफ्रेश कर लो अपने वाले लेक्चर को, एक बार रिफ्रेश कर लोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। ओके रिफ्रेश कर लीजिएगा एक बार तो नहीं होगा बफर, ठीक है। ओके कल से थोड़ा सा और स्पीड वगैरह चेक कर लेंगे, उसके बाद कल क्लास करेंगे, है ना। चलो देखो, हाँ तो मैंने क्या बोला कि आप 30 का स्क्वायर और 30 तक के क्यूब्स कम से कम एग्जाम में याद करके चलो। इससे पता है क्या, नंबर सीरीज नहीं सारे चैप्टर सॉल्व होंगे, पता है। नंबर सीरीज भी कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व होगा, मिसिंग नंबर सॉल्व होगा, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, 5 चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो अगर आप स्क्वायर क्यूब याद रखोगे तो ज्यादा आपसे सवाल बनेंगे, जल्दी बनेंगे। इससे ये फायदा रहेगा कि आपको सवाल थोड़ा सा जल्दी बनेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो तो अभी इस सवाल पर आ जाते हैं वापस से, देख लेते हैं कैसे करना है ना। चलो 17 के बाद 18, ये 23 का स्क्वायर लिखा हुआ था, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। ये आपका 23 का स्क्वायर लिखा था, ये आपका 24 का लिखा हुआ था, ठीक है। अब हमें इसका पैटर्न समझना है, ठीक है। अब हमें इसका थोड़ा सा पैटर्न समझना है। देखो पैटर्न ये है, यहां पर 1 का गैप आया, ठीक है। यहां पर आपका 1 का गैप आया है, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर आपका 1 का गैप आया है, ये समझ में आता है। लेकिन इसके बीच में भी तो देखो थोड़ा सा, इसके बीच में भी तो देखो कि कितने की गैपिंग आ रही है, इसके बीच में भी तो देखो कि कितने की गैपिंग आ रही है। चेक करो, 12 और 17 के बीच में 5 की गैपिंग होती है, ठीक है। 18 और 23 के बीच में भी 5 की गैपिंग होती है, ठीक। और फिर अगले में देखो यार, 1 की फिर 5 की, फिर 1 की फिर 5 की, ऐसे गैपिंग हो रही है ना। तो अगले में भी तो 5 की ही गैपिंग आएगी, ये भी तो सोचो कि अगले में भी 5 की गैपिंग आएगी, तो 5 जोड़ दीजिए, 29 का स्क्वायर होगा, जो कि ये होता है 841 होगा, ठीक है। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 841, ठीक है ना। फाइनल जो आंसर बनेगा वो बनेगा 841, ठीक है। क्लियर हो गया, एक बार क्लियर करिएगा। 29 का स्क्वायर होगा, तो आप लोग 729 दे रहे थे ना, ये वाला गलत था, ये वाला जो आंसर आप लोग दे रहे थे ये रॉन्ग था, ठीक है। पूरा होगा यार आज कुछ गड़बड़, पता नहीं। चले ठीक है, ओके फिर आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया इस वाले सवाल में टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चेक करो इसको, हो गया। डन। लाइक करते जाया करो एक बार, साथ जल्दी जल्दी से लाइक भी करते जाया करो, है ना। फटाफट जब देखते जाया करो सेशन को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है, साथ ही साथ में। चलो देखो यार, एक बात बताओ तुम लोग कि 110 और 99 के बीच में 11 कम हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ लेस होती जा रही है सीरीज, कम होती जा रही है। यहाँ पर कितने 13 लेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे 15 लेस होंगे, यानी कम होंगे। यही वाली सीरीज अभी आई थी, सीजीएल का पेपर जो हुआ था ना, उसमें अभी यही वाली सेम सीरीज आई थी, 15, 17, 19 का गैप था जो ये वाला चल रहा है, 15, 17 और 19 का गैप चल रहा था, यही वाली सीरीज अभी आई थी। तो अब यहाँ पर 86 में से 15 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर 71 होगा इसमें, है ना। ये तो सभी ने दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके नेक्स्ट, ये वाला जल्दी से बता दो, ये तो देखकर, इसमें तो पेन की भी जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी बता सकते हो, इसमें तो पेन की भी जरूरत नहीं है आपको। डन हो गया, बिल्कुल आधा आधा हो रहा था, जस्ट हाफ, यहाँ पर भी जस्ट हाफ, यहाँ पर भी जस्ट हाफ होगा तो 14 आएगा ना, 28 का आधा हो जाएगा तो 14, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये आपके अनअकैडमी क्लासेस का टाइमिंग्स लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फ्री क्लासेस का 11 बजे सुबह, और इसको सॉल्व करिएगा। हो जाती कभी कभी बीच में एक आध सेकंड के लिए, एक आध मिनट के लिए बफरिंग हो जाती है। एक्चुअल में क्या है, सभी जगह इस समय मौसम भी खराब चल रहा है ना यार, बारिश आंधी तूफान चल रहे हैं, तो इस तरीके का लॉजिक हो जा, कभी कभी हो जाता है ऐसा नेट प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, आराम से किया करो, स्मूथली काम किया करो। हो गया, चलो ये आ गया फिर से 4 से मल्टीप्लीकेशन, ये आपका 5 से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये आपका 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें तो कुछ ज्यादा था नहीं, ये तो सिंपल था। अगला 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6, 6, 36, 6, ये हो गया, ठीक है, 360। ओके इस वाले में चलिए, इसमें भी तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, डिफरेंस निकालो, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा होगा, 23 का, है ना। यहाँ पे 24 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 25 जोड़ रहे हैं सीधे, तो अगली बार कितने जुड़ जाएंगे, 26 जुड़ जाएंगे। 26 ऐड कर दो, 210 में 26 ऐड करो, 210 में 26 ऐड कर दीजिए, बस इतना ही होगा। तो यहाँ पर आंसर 236 आएगा, ठीक है, 236। 23, 24, 25, 26 जोड़ते जा रहे थे, है ना। ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, ये आपका 4 है, यहाँ पर गैपिंग आ रहा है, यहाँ 9, तो समझ जाओ स्क्वायर्स की गैपिंग आ रही है इस बार। कभी कभी आपकी प्राइम नंबर्स की गैपिंग आती है, कभी कभी क्यूब्स की भी गैपिंग आती है। यहाँ पे 1 का, 2 का, 3 का स्क्वायर, तो अगला 4 का स्क्वायर की गैपिंग आई, यानी 16 ऐड होंगे सीधे। तो 29 में 16 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। हाँ चलिए, चैप्टर वाइज कब क्लास होगी मेरे भाई, चैप्टर वाइज ही तो चल रही है, और कैसे चल रही है, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करा रही हूँ सारे के सारे, चैप्टर वाइज ही तो चल रही है, और कैसे चल रही है, नंबर सीरीज टॉप 100 क्वेश्चंस करवा तो रही हूँ, चैप्टर वाइज ही चल रही है, और कैसे चल रही है। चलो इसको सॉल्व करो, यहाँ पर अगला नंबर जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, चेक करिएगा। हो गया, देखो यहाँ पर आपका 11 का स्क्वायर है 21 का, बस इतना समझ गए तो पूरी सीरीज समझ में आ जाएगी। 11 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। फिर आपका ये 31 का है, फिर अगला 41 का आएगा और अगला 51 का होगा। 51 का स्क्वायर, 51 का याद नहीं रहता हमें, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं। 51 का स्क्वायर जो आप लोग का आएगा तो वो आपका आ जाएगा 2601, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन 3601 नहीं 2601, 3601 ऑप्शन में नहीं है। चलो ये वाला देख लो, हाँ 51 का स्क्वायर है। सारे स्क्वायर सीरीज चल रहे थे, देखो। अब इसमें न्यूमरेटर वाला भी चेक करिए, डिनोमिनेटर वाला भी। न्यूमरेटर में 2 जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं, फिर 4 जुड़ रहे हैं, अगला 5 जुड़ेगा तो 16 आ जाएगा। 2 3 4 5 इस तरीके से जुड़ रहा है ना। फिर यहाँ पे नीचे देखोगे तो 4 जुड़ रहे हैं, देन 6 ऐड हो रहे हैं, देन 8 ऐड हो रहे हैं, तो अगली बार 10 जुड़ेंगे, यानी कि 31 आ जाएगा। 16/31 सिंपल, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। ओके नेक्स्ट, ये भी बहुत ही प्यारी सीरीज है, आराम से कर सकते हो। अच्छे से देख लो, अच्छे से करो, कोई भी जल्दीबाजी मत करना, आराम से करिए। आंसर सबका सही आना चाहिए, ठीक है। छियासठ और 60 2 आ रहे हैं ना, 66P और 60P ऑप्शन में आ रहा है, तो 66 तो गलत है यार। चले आप यहाँ डिफरेंस वाला लॉजिक लगाओगे, बहुत समय लगेगा। नॉर्मल लॉजिक आप लगा सकते थे, किस तरीके से देखो। ये कुछ संख्याएं हैं, ये वाले लॉजिक आप लोग ध्यान में रखना, जैसे स्क्वायर +1 स्क्वायर -1, ठीक है, क्यूब्स +1 या क्यूब्स -1 ऐसे भी लगते हैं, +2 -2 +3 -3 इस तरीके से भी हो सकता है। तो देखो आसपास की संख्या देखो, या डायरेक्टली स्क्वायर्स क्यूब्स तो नहीं लिखे जाएंगे ना। 3 का क्यूब -3 लिखा है यहाँ पे डायरेक्ट, 2 का क्यूब -2, जिस संख्या का क्यूब कर रहा है उसी में से उसी वाली वैल्यू को घटा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है 5 का क्यूब -5, यहाँ लिखा है 6 का क्यूब -6, तो यहाँ पे डेफिनेटली 4 का क्यूब और उसमें से 4 घटाकर लिखेगा तो 60 आएगा ना। 64 में से 4 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो इसका आंसर 66 नहीं होगा, 60 होगा। चलिए ये वाला करिएगा, ये भी आप सभी लोग कर सकते हो बड़े आराम से। एक टर्म्स अगर देख के समझ में आ जाते हैं तो फिर सारे टर्म्स हमको समझ में आ जाते हैं, है ना। एक टर्म अगर हमने देख लिया, समझ लिया, तो हमें सारे टर्म समझ में आ जाएंगे, ठीक है। लाइक भी करते जाइएगा सेशन को, साथ साथ में एवरीवन जल्दी से लाइक भी कर देना। जिन्होंने अभी तक नहीं करा है वो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा एवरीवन। में भी 60 आ रहा है क्या? 285 गलत आंसर। चलो देखो, 15 की टेबल में 60 आता है, 64 नहीं आता। इंटू 4 करने पर +4, वो वाला लॉजिक लग रहा था यहाँ पे। 4 की टेबल में 12 आता है, 15 नहीं आता, तो इंटू 3 +3 किया गया होगा, ठीक है। आया समझ में? तो देखो अभी तो कह रहे थे कुछ लोग सरल करा रहे हैं, अब तो आंसर ही नहीं आ रहा। सरल हो गया, एक सवाल सरल आता है तो सरल लगने लगता है, बाकी सब तो कठिन होते ही है, बनता भी नहीं है, है ना। एक सवाल सरल आ गया तो मैडम सरल क्यों करा रही हो, अब एक भी नहीं बन रहा है। तब से एक भी नहीं बन रहा था, शुरू से भी और अब तक भी, ठीक है। एक सवाल बीच में सरल आ गया तो अरे रे रे मैडम सरल क्यों करा रही हो भैया, ओहो, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, रिलेट करो आपस में। यहाँ भी ऐसे ही क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से +2 किया गया हो तभी 4 आएगा। तो 4 के बाद 15, 15 के 5 64। अगला क्या ऑप्शन आएगा, 65। 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, +5 कर देंगे तो 325 आएगा। 315 नहीं, 325, और वो भी सी ऑप्शन। ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा था, है ना। देख लीजिए आप लोग, देख लो, इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। कभी कभी ऐड होता है, कभी कभी जस्ट मल्टीप्लाई होता चला जाता है, इस तरीके से। ठीक है, चल नेक्स्ट करें। ओके, इसको करिएगा। ये भी बताओ भाई, ये भी बिल्कुल एकदम प्यारे लेवल का सवाल है। रिलेट करोगे बन जाएगा, डिफरेंस निकालोगे तो भी बन जाएगा। डिफरेंस में देखो टाइम ज्यादा लगता है, हर सवाल डिफरेंस से कर सकते हो बट समय उसमें बहुत ज्यादा लग जाता है, इसलिए कोशिश करें लॉजिक को समझने के लिए। ठीक है ना। अब देखो यार, 10 की टेबल में 20 आता है कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले कई सारे ऐसे क्वेश्चंस कराए, डबल करके +4। 24 की टेबल में 48 आता है, डबल करने पर, है कि नहीं, +4। यहाँ पर भी आपका डबल करोगे 6 आएगा, +4। यानी कि यहाँ तो एक सिंगुलर पैटर्न ही चल रहा है, बार बार हमें चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। तो पहले डबल करना है और 4 जोड़ देना है, बस इतना ही काम है इस वाले क्वेश्चन में। तो पिछले वाले में तो बार बार बदल रहा था, लेकिन इस बारे में तो चेंज भी नहीं हो रहा है, सेम ही है। ठीक है, एक ही पैटर्न है जो बार बार लग रहा है। तो डबल करके +4 करेंगे, 220। ठीक है, चलो इसको करो। ये सबसे आज का टफेस्ट क्वेश्चन है, आज का सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो, यहाँ लिखा है 5, 15, 45, 113। यहाँ पर बताना है कौन सा नंबर आएगा इस बार सबसे पहले। चेक करिए, अगर सबसे पहले हम लोग, देखो यार, 5 से छोटी वैल्यू आएगी, सारी वैल्यू 5 से छोटी है ना। सबसे पहले देखो यहाँ पे डिफरेंस निकाल के देख लो ना। यहाँ पे 10 का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितने का आ रहा है बताओ भाई, बताते जाना। मेरे को 30 का लग रहा है यहाँ पे, है ना, 30 का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 8, 10 में से 4 गए 6, 68 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर डबल डिफरेंस ले लो, 20 का 8, 38 का, सही है। अगर यहाँ पे 3 रखते हैं सपोज दैट, ठीक है, एक तो बहुत छोटा हो जाएगा, 4 भी बहुत छोटा हो जाएगा, बीच का मिडिल का वैल्यू रखकर देखते हैं 3। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, 2 का। यहाँ कितने का आएगा, 8 का। यहाँ कितने का आएगा, 12 का। और यहाँ पे कितने का आएगा, 18 का, है ना। सही तो है, ये सीरीज बन गई। अगला कितने का आएगा, 24 का डिफरेंस, यानी 6-6 का बन रहा है। देखो, इसको कहते हैं डबल डिफरेंस सीरीज। अंत तक में 1 नहीं आएगा, 3 आएगा। अंत तक में 6 का डिफरेंस आ रहा है, लास्ट तक में 6 का डिफरेंस। ठीक है ना। जब हमने पूरा डिफरेंस निकाला, डबल डिफरेंस एक बार निकाला, फिर डबल डिफरेंस निकाला, लास्ट तक में 12, 18, 24 ऐसे कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है। 6-6 का डिफरेंस, 6 का 6 का 6 का ऐसे। तो यहाँ पे 3 आएगा, तब हमारा ये सीरीज करेक्ट बैठेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 नहीं होगा, 3 होगा। 3 पे टिक करेंगे, सही बनेगा। सबसे पहले वाले नंबर पे पूछा गया था कि क्या आना चाहिए, ठीक है। हाँ, ऐसे सवाल, ये कभी कभी इस तरीके के सवाल फंस जाते हैं पेपर में, थोड़ा टफ वाला है, डबल डिफरेंस सीरीज वाले कभी कभी पेपर में फंस जाते हैं। बहुत हाई लेवल का पेपर हो, जैसे कि हमारा जो और भी कई हाई लेवल के पेपर होते हैं उसमें फंस जाते हैं कभी कभी, कैट वगैरह के पेपर होते हैं तो उसमें फंस जाता है इस तरीके का डबल डिफरेंस, है ना। चलो, बाकी ऐसे नॉर्मल इतने हाई लेवल नहीं पूछता, वैसे ज्यादा हाई लेवल नहीं, डबल डिफरेंस है। चलो इसको देख लो यार, ये तो बन जाएगा, कोई बात नहीं, गलत हो गया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं गलत था ये वाला, है ना, वो गंदा क्वेश्चन था ये वाला, आंसर नहीं बना इसका। आज गाइस थोड़ा सा अगर हो सकता है बफरिंग हो गया हो आप लोग के साइड से, वैसे मेरे साइड से तो नहीं था, कल से थोड़ा सा और देख लेंगे हम लोग, है ना, बफरिंग का थोड़ा और सोल्यूशन निकालेंगे, पहले से थोड़ा सा देख कर चलेंगे कि क्या है, क्यों बफर कर रहा है। अब ये तो आसान था, देखो 10 के टेबल में 30 आता है, इंटू 3 करने पर +1, यहाँ पर भी इंटू 3 + 1 हो रहा है, सिंपल लॉजिक, यहाँ भी इंटू 3 + 1 ही चल रहा है, बोलो, ठीक है। तो यहाँ भी इंटू 3 + 1 चलेगा, यानी 3 लाएंगे, इधर भी 3 आया, बताओ इंटू 3 + 1, इंटू 3 कितना होता है 9, 9 + 1 10 हो गया, तो यहाँ पर भी 3 ही आएगा, ठीक है। चलो हो गया, नेक्स्ट करें। अरे यार आप पहले लाइक कर दो, नहीं अब नहीं, नेक्स्ट तब करेंगे, बहुत सारे सवाल कर लिए, ये 19वां 20वां सवाल चल रहा है ना, तो जल्दी से लाइक कर दो पहले, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। फटाफट से लाइक कर दो यार, 500+ तो कर ही दो पहले, तब करेंगे, है ना। हाँ पुष्पिंदर भैया आप चिंता मत करो, हमारे यहाँ 6G लगा हुआ है भाई, 5G भी नहीं, हमारे यहाँ 6G लगा है ऑलरेडी, डोंट वरी। ये आप लोग के साइड से, मेरे साइड से कोई बफरिंग नहीं चल रही है, क्योंकि और भी स्टूडेंट्स है उनका मस्त चल रहा है, आप लोगों का है नेट थोड़ा कमजोर वाला, इसीलिए आप लोगों के में दिक्कत आती है ना, इधर से कोई दिक्कत नहीं। अगर बफरिंग होता है तो वीडियो ही बंद हो जाता है, वीडियो चलता ही नहीं है, आप लोगों का बफर कर रहा है, इसका मतलब आप लोग साइड से प्रॉब्लम है, बाकी मेरे यहाँ 6G 7G सब लगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। चलो अगला करें, लाइक नहीं करा यार तुम लोगों ने, पहले 500+ करो तब करते हैं, फिर अगला सवाल जल्दी जल्दी, इस सवाल के खत्म होने तक फटाफट 500+ कर दीजिएगा जल्दी से, तभी मजा आए थोड़ा पढ़ाने में भी, लाइक वाइक करो तो यार। सबका बढ़िया चल रहा है, 1-2 ही है, कुछ उन्हीं का नहीं चल रहा है, इसीलिए 5 रुपए वाला नेट डलवाते हैं, क्या करें, इसीलिए नहीं चलता तुम लोगों का। 2 रुपए वाला नेट डलवाते हो, पूरे दिन क्लासेस करते रहते हो, रात को मेरी 9 बजे क्लास रहती है, लास्ट तक में तुम लोग के पास नेट बचता नहीं है, ठीक है, हाँ इसीलिए फिर परेशान होते हो तुम लोग, बाकी इधर से कोई बफरिंग नहीं, एकदम बढ़िया मस्त चल रहा है, सबका चल रहा है। चलो देखो यार, अब यहाँ पे भी वही लॉजिक था, डिफरेंस वाला भी लग सकता है, मल्टीप्लाई वाला भी, मल्टीपल वाला बिल्कुल आसान है, आराम से कर सकते हो, ठीक है, कैसे करोगे वो देख लो, कैसे 7 के टेबल में वही है, फिर आप 7 के टेबल में 21 आता है ना, कैसे देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिंक करके लिखा हुआ है, 3 7s are 21 + 1, ठीक है, फिर 2 3s are 6 + 1, यानी पहले मल्टीप्लाई भी कर रहा है फिर +1 भी कर रहा है, कैसे देखो मैं बताती हूँ, 2 × 3 ये बात, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके +1 करेंगे तो 7 अगला नंबर आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 7 कितना होता है 21, +1 कर दिया तो 22 आ गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 7 × 22 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 155। अब लास्ट हमें जो निकालना है वो क्या होगा, अगला वाला, ठीक है, निकाल दो भैया, 22 × 155 कितना हो जाएगा, +1 कर दीजिएगा तो ये आएगा आपका, आया किसी का आंसर, 3411 आ रहा है, ठीक है, हाँ 3411, सही है क्या सभी का। अच्छा कुछ लोगों ने 1 ऐड करना भूल गए हैं, है ना, कुछ लोग 1 जोड़ना भूल गए हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट करें अगला सवाल, इसको करिएगा। हाँ, ये क्वेश्चंस ऑल एग्जाम्स के लिए है, सभी एग्जाम्स के लिए कर सकते हैं आप, बिल्कुल। अब देखो 5 की टेबल में तो 30 भी आता है, 25 भी आता है, लेकिन आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते थे कि 30 की टेबल में 150 आता है, 5 का गुणा करने पर +5 करके लिखा हुआ है, बस यहीं से आप अंदाजा लगा सकते थे, ठीक है। यहाँ भी ×5 + 5, ओके, यहाँ भी ×5 + 5। अगला कितना आएगा, 780 गुणा 5 + 5, ठीक है। तो 5 जोड़ना ना भूले, 3905 आएगा, ठीक है, ओके, बढ़िया था। अगला करो, एक और सवाल उसी टाइप का है जैसे अभी पिछला किया था हम लोगों ने, उसी टाइप का, लेकिन अगर आप इसे शॉर्ट ट्रिक से करना चाहोगे तो आसान रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये बहुत प्यारा सा सवाल है, इसको आप लोग यार कर लो होमवर्क में आज, और फटाफट अभी लाइक कर दो सेशन को। कल बताओ, कल सब लोग आने के लिए रेडी हो यहाँ पे, कल इससे भी अच्छे वाले क्वेश्चंस करवाऊंगी, हाई लेवल, ठीक है। आज अगर मैंने मॉडरेट लेवल कराया तो कल इससे भी हाई लेवल कराऊंगी। कल के लिए रेडी, बताओ, रेडी वाला कमेंट कर दो सब लोग, कल के लिए रेडी हो, ऑल सेट, रेडी। कल भी रात को 9 बजे, सुबह 10 बजे भी हमारी क्लास रहती है, सुबह 10 बजे भी हमने 1 घंटे की क्लास लगाई है, जिसमें हम लोग, जो लोग CHSL को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो सुबह की क्लास में आ सकते हैं। सुबह क्लास लगाई है 1 घंटे 10 बजे इसी चैनल पर, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर कर रहे हैं, और यहाँ पर शाम को 9 बजे के टाइमिंग पे। तो कल और भी इससे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवालों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग रेडी रहिएगा। अभी लाइक कर दीजिएगा सेशन को, और कल थोड़ा सा नेट वेट तुम लोग जरा करके आना सही, थोड़ा बड़ा वाला डाला, 5 रुपए वाले से काम नहीं चलेगा, ठीक है, ओके। हाँ, तो अच्छा वाला कल का नेट डलवा के आइएगा, ठीक है। चलिए, ओके, आगे अगर हम बात करें तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर जुड़ेंगे तो आप लोगों को सारे लिंक्स वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। चैनल पर जुड़ोगे अगर तो आपको वहां से सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए आप RITIKA10 कोड लगा सकते हो, अगर आप लोग को अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन करना है तो आप वहां से RITIKA10 कोड लगा सकते हो, कभी भी फुल आप लोगों को डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो कल के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा, रात के 9 बजे टाइम से, और चैनल पे जुड़ोगे अगर तो टेलीग्राम पे, तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चैनल पर अगर जुड़ेंगे तो वहां से आपको लिंक मिलेगा, ओके।